Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सबड़ी आपका दोस्त सुमन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं इस पतंग उड़ाने वाला हूँ और इस पतंग उड़ा करके मैं एक दो काइट फाइटिंग करने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं। लेकिन आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पिछले वाले वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। निंदा हथौड़ी वाले वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि निंजा हथौड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। लेकिन उन आंसर्स के बीच में जो है सबसे पहले जिन्होंने सबसे फास्ट आकर के आंसर दिया था, उनका नाम है प्रिंस कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ फ्रेंड्स, सही नाम है। प्रिंस कुमार श्रीवास्तव को मैं सल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्पीड से आकर के आंसर दिया। और इसका मतलब क्या है? प्रिंस कुमार श्रीवास्तव की स्पीड भी बहुत अच्छी है और वो काफ़ी बुद्धिमान भी है। अच्छा, तो फ्रेंड्स बाकी लोग जो है वो अपना नाम लिस्ट में देख लें। इस वाले लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर हमने उनका नाम तैयार कर दिया, जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है निंजा हथौड़ी वाले वीडियो के अंदर। तो अभी इसको हम उड़ाते हैं, उड़ा करके। आज हवा बहुत ही कम है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में, हवा रोज कम हो जा रहा है। मेरे सर के ऊपर पतंग उड़ रही है और सर के ऊपर उड़ती पतंग से पेच लड़ाना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है, आपको पहले ही बता दूँ। जो पतंग बाएं दाएं उड़ रही होती है उससे तो लड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो पीछे से उड़ रही है बिल्कुल आपके सर के ऊपर से उड़ रही है उससे लड़ाना बहुत मुश्किल होता है। कभी हवा आ रही है, कभी जा रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल सर के ऊपर है। सर के ऊपर की पतंग से पेच लड़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मुश्किल काम है फ्रेंड्स, ये बता दूं आपको। ओ गई, नहीं गई, ओ माय गॉड, बच गया, मेरा पतंग बच गया फ्रेंड्स। आपको बताऊं, लग रहा है मांझे में कुछ गड़बड़ है इसके, मेरी पतंग बच गई आज। कट जाती अभी नहीं तो ढीली पड़ गई थी मेरी पतंग। देखिए फिर से लड़ेगा, देखिए फिर से लड़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां से लड़ाऊं, किधर जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल एकदम सर के ऊपर है फ्रेंड्स, और सर के ऊपर के जो पतंग से पेच लड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, जाकर के कटी। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से कटा। देखिए जा रहा फ्रेंड्स, निकल गया। मैंने लपेटने की भी कोशिश करी थी लेकिन आया नहीं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक पेच लड़ने जा रहा है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा उतनी वो पेच को दिखाए। अब पेच काफ़ी दूर लड़ेगा और ये नज़दीक पेच नहीं लड़ेगा, तो अभी हमने पेच दूर कर दिया। जो पिछला वाला था वो मैंने सर के पीछे से उड़ा रहा था, पीछे से ही उड़ा रहा था, उसको काटना जरूरी था और बहुत मुश्किल भी हो गया था, लेकिन हमने काट दिया और अब इससे लड़ेगा दूसरे पतंग से। देखिए फ्रेंड्स, ये पेच लड़ने जा रहा है और अभी दोनों ही डोर निकाल रहे हैं और ये पेच ज़्यादा लंबा नहीं लड़ रहा है, ये 350-400 मीटर के बीच में लड़ रहा है क्योंकि आज हवा की स्पीड ज़्यादा है ही नहीं, तो इसलिए बहुत पास नहीं लड़ रहा है। हालांकि मैं भी डोर निकाल रहा हूँ, वो भी डोर निकाल रहा है। बहुत जल्दी फेंकना पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को।
हार्ट दिया फ्रेंड्स, बहुत ही ताकत लगा। अरे मेरा सांस फूल गया, वो देखिए झटक झटकते हुए जा रही है। अय हाय सांस फूल गया फ्रेंड्स, बहुत ही ताकत लगा क्योंकि हवा कम थी तो इस करके खींच के ही लड़ना था, उसको मैंने भागने नहीं दिया, पूरा दौड़ा करके आसमान में ही काट दिया। फ्रेंड्स आप देख सकते हो वो पतंग जा रही है, हालांकि उसने अपनी बचाने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने उसको निकलने का जगह नहीं दिया। फ्रेंड्स आपको बताऊं कि अभी जो पेच लड़ा और वो बहुत ही मेरे को मेहनत करना पड़ा, और क्या हुआ कि जब मैं नीचे से घुसा वो ऊपर से आया, वो चक्कर दे करके वो जो है ना गद्दा मारने की सोच रहा था, लेकिन मैंने जैसे उसका मुद्दा ऊपर की तरफ देखा ना, जैसे उसका चक्कर ले रहा था मुद्दा ऊपर की तरफ, मैंने उसी टाइम ही दौड़ाया। उसने सोचा कि शायद मैं थोड़ा सा चेज़ करूँगा, लेकिन मैंने उसको पूरा पूरा आसमान में चेज़ किया और चेज़ करके जो है उसके मुद्दे को बदलने नहीं दिया, वहीं से ही काट दिया उसको मैंने। फ्रेंड्स देखिए फिर से एक पेच लड़ने जा रहा है और ये फिर मेरे पीछे से आ गया लड़ाने के लिए। वो काट दिया फ्रेंड। ये पीछे वाले बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। लपेटने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ। फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा क्योंकि हवा बिल्कुल बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी पतंग डगरमगर करके उतर रही है, और अब मैं इसको उतार लूंगा क्योंकि हवा बिल्कुल बैठ चुकी है। फ्रेंड्स पतंग उतार ली मैंने, हवा बिल्कुल बैठ गया था। बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और आज का ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लाइट सोमेन गोस, इसको देखते रहिए। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।